गाइस आपने इवेंट ब्लॉगिंग तो सुना होगा ना कि कोई भी अगर इवेंट आ रहा है जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल आ गया या क्रिसमस आ गया या फिर दिवाली आ गई उससे पहले आप 5-6 महीने पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो और ना पैसा बना लो। बहुत बार सुना होगा, बहुत यूट्यूबर ने इसको काफी ज्यादा यू नो तवज्जो देते हुए बहुत हाइप क्रिएट किया था, आप में से बहुत लोग लग भी गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी उससे अर्न किया है? अपने दिल से पूछना। मैं सोच रहा हूं या मैं जितना जानता हूं इस इंडस्ट्री के बारे में और मेरी जितनी एनालिसिस है वो ये है कि 99% लोगों ने तो नहीं अर्न किया होगा, क्योंकि आपने सिर्फ यूट्यूब में लोगों को बोलते हुए देखा था यूट्यूबर्स को, आपने करना शुरू कर दिया लेकिन नहीं कर पाए कंपटीशन के चलते। लेकिन आज मैं आपको इवेंट ब्लॉगिंग तो नहीं लेकिन इवेंट से कैसे अर्न करना है किसी भी उसका इतना जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं कि हो सकता है कि आप में से 99% आप लोग अर्न करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि ये काम बहुत अंडरग्राउंड में लोग कर रहे हैं और जितने लोग कर रहे हैं ना वो इतने लिमिटेड है कि उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है और वो बहुत अर्न कर रहे हैं। तो गाइस जल्दी से ना लाइक कर दो क्योंकि आज का ये सेशन इतना स्ट्रांग होगा कि आप में से एक तो हर कोई कर सकता है और प्लस करके इससे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इवेंट सेलिंग एंड दैट टू डिजिटल प्रोडक्ट। इवेंट सेलिंग मतलब कोई एक इवेंट आ रहा है उसमें क्या चीज बिक सकती है उसको हम सीखेंगे, और सेकेंडली कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, फिजिकल प्रोडक्ट माउस कैमरा फोन ये सब नहीं, डिजिटल डाउनलोड वाले प्रोडक्ट बनाएंगे जो बिकता भी है और किसी इवेंट पे जैसे एकदम बहुत सर्चेस बढ़ते हैं उसका तो ताबड़तोड़ बिल्कुल हंगामा सा हो जाता है। कैसे? चलो गाइस समझाना क्या है दिखाता हूं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगा उससे आप समझ जाओगे और उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको मजा आ जाएगा। चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ऐसे ही जबरदस्त मैं आपको ऑनलाइन मनी मेकिंग के आइडियाज स्ट्रेटजीज आप लोगों से शेयर करता रहता हूं। देखो मैं एक टूल पे हूं एलियोरा, eliora.io, ये बहुत ही बेहतरीन टूल है, ये एक एनालिटिक्स टूल है जैसे कि गूगल के लिए सैमरश होता है कि गूगल के हम डेटा वहां से निकाल सकते हैं कि कौन से सर्चेस पे कितना कंपटीशन है कितना प्राइस है वगैरह, तब जाके हम ब्लॉगिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एटसी की तो एटसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं इसमें बहुत वीडियोस बना चुका हूं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अर्न भी कर रहे हैं करके उन्होंने प्रूफ तक भेजा है। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए जिसका ऑलमोस्ट 400 मिलियन से ज्यादा का मंथली ट्रैफिक है और सारा ट्रैफिक जो है वो मैक्सिमम यूएस का है। अब यूएस में आने वाला है क्रिसमस, राइट? बहुत बड़ा इवेंट है यूएस का। क्रिसमस एक ऐसा इवेंट है यूएस का जो मतलब हमारे यहाँ पर दिवाली मान, वहां पर क्रिसमस है और वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इसके लिए हर मुमकिन चीजें वो बाय करते हैं, शेयर करते हैं, गिफ्ट देते हैं। उसी का ही सीधा यहाँ से आपको एक रास्ता निकलने वाला है। देखो कैसे होने वाला है, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आया एलियोरा पे और यहाँ पर मैंने सर्च किया कि क्रिसमस से रिलेटेड डिजिटल डाउनलोड ऐसा क्या हो सकता है जो इस इवेंट का फायदा उठा सकता हूं। तो गाइस मैंने जस्ट रिसर्च करते करते इस टूल में मुझे मिल गया, गाइस आप एक लिस्टिंग दिखा रहा हूं मैं, ये वाली लिस्टिंग, ठीक है? ये कौन सी लिस्टिंग है यहां पर आपको देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, आप लाइव देख लो, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है? इसमें ये सिर्फ फोटो फ्रेम्स प्रोडक्ट नहीं मतलब फिजिकल नहीं, फ्रेम का खाली इमेज बेच रहा है, लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, सिर्फ डाउनलोड, राइट? अब यहां पर देखो जब मैंने ध्यान से देखा कि इस टाइप के प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, तो गाइस ये प्रोडक्ट लिस्ट हुए खाली 32 दिन हुए, 32 डेज, एक महीने पहले ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है और अभी तक ये प्रोडक्ट $10,671, ओ माय गॉड। गाइस ये वो कैलकुलेटर कर ले फटाफट से, $10,671, गाइज 889,000 रुपीज इस बंदे ने इवेंट सेलिंग से, डिजिटल डाउनलोड प्रोडक्ट से एक महीने में कमाया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण के आप देख लो गाइज, सिर्फ 32 दिन हुए हैं, 32 दिन में, जस्ट बिकॉज इवेंट था क्रिसमस का आने वाला है बहुत ताबड़तोड़ तरीके से, अभी भी टाइम गया नहीं है, आप इमीडिएटली करना शुरू कर दो, अभी भी आपके पास अच्छे खासे 21 दिन है, आप इसे कर सकते हो, राइट? प्राइस रखा है $10 का और गाइज कन्वर्ट हो रहा है कि हर बंदा मतलब पूरे लिस्टिंग कोई अगर 100 बार देख रहा है 2% का कन्वर्जन रेट है, प्रॉफिट मार्जिन 85% का। गाइस मैं हैरान हो गया कि इसने 1000 ऐसे प्रोडक्ट बेच दिए जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेम की इमेज है कि बंदा इमेज डाउनलोड करेगा, प्रिंटर से निकालेगा और फ्रेम बना के दीवार पे लगा देगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था यूएस का ये बहुत बड़ा इवेंट है। हम दिवाली में जैसे कि कभी भी दिवाली आती है तो हम घर को सजाने के लिए वो झालर वगैरह ले आते हैं, फूल वगैरह ले आते हैं, उससे फिर हम घर से जाते हैं, लेकिन अमेरिका में ये ट्रेंड नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, लाइटिंग होती है और प्लस ये फ्रेम्स लगाते हैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, अमेरिका का ट्रेंड है कि ये फ्रेम्स हर बार चेंज करते हैं कि इस बार एक नया फ्रेम लगाएंगे, फिर अगली बार एक नया फ्रेम लगाएंगे और फ्रेम से अपना जो डेकोरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश ये करते हैं। तो अब जल्दी से इस लिस्टिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, सिर्फ जानेंगे नहीं हम इसको करना भी सीखेंगे, डोंट वरी। अच्छा गाइस मैं आपको रोक के एक और अर्निंग का तरीका बताना चाहूंगा, अगर आप इवेंट सेलिंग के अलावा भी कमाना चाहते हैं तो आप ब्लॉगिंग से तो आप कमा ही रहे होंगे, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो एक बहुत जबरदस्त तरीका है आपको अर्न करने का, एंड दैट इज ऑल्टरनेट टू
गूगल एडसेंस विच इज नॉन एज पुश मोनेटाइजेशन। गाइस पुश मोनेटाइजेशन करके आप अपनी वेबसाइट से बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और पुश मोनेटाइजेशन के लिए इस टाइम पे जो लीडिंग कंपनी है, जो मार्केट का लीडर बन के बैठा है, दैट इज नोटिक्स। गाइस नोटिक्स का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा अपना जो ट्रैफिक है वो भी जनरेट कर सकते हो और प्लस आप वहां से अर्न कर सकते हो। एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि जब आपका कोई भी ऑडियंस आपके ब्लॉग में या आपकी वेबसाइट में आता है, उसे ऊपर एक पुश नोटिफिकेशन दिखता है, उसको जैसे ही वो यस करता है तो वो आपका सब्सक्राइबर बन, जब वो सब्सक्राइबर बन जाता है तो गाइस अब आपके पास उसका डेटा है कि आप जब मर्जी चाहो अपने नए ब्लॉग के लिए ट्रैफिक जनरेट करना है तो उसे नोटिफिकेशन भेज सकते हो। नो मैटर आपका 30,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया या 30,00,000 लोगों ने, एक क्लिक पे उन 30,00,000 लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा जिससे आपकी ताबड़तोड़ ट्रैफिक जनरेट होगी। लेकिन जैसे ही वो नोटिफिकेशन जाएगा, अगर आपने पुश मोनेटाइजेशन ऑन कर रखा है तो जो भी उस नोटिफिकेशन को क्लिक करेगा उनको एक ऐड देखेगा और उस ऐड का रेवेन्यू सीधा आप अर्न करोगे और उसके बाद वो ऑडियंस आपके वेबसाइट में भी आएगी, मतलब दोनों हाथ में लड्डू। तो गाइज ये सोने पे सुहागा हुआ या नहीं हुआ? तो गाइज इसको एग्जैक्टली आप गूगल का ऑल्टरनेटिव मान सकते हो और इससे ताबड़तोड़ अर्निंग और ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री में इसको अभी के अभी इंस्टॉल करो, ये वर्डप्रेस प्लगइन है, और इससे अर्न करना भी स्टार्ट कर दो। इसके फीचर्स की बात करूं तो ये आपके कस्टमर को इरिटेट नहीं करता है क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट और रेलिवेंट एड्स दिखाता है कस्टमर के ब्राउजिंग बिहेवियर के बीच। और सेकंडली इसका पे आउट जो है बहुत फास्ट है, आपको इजीली हर महीने का पेमेंट जो है मिलता रहता है। थर्ड, इनके पास भी जो एडवर्टाइजर्स हैं वो बहुत हाई सीपीएम वाले एडवर्टाइजर्स हैं, मतलब अगर आपके सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं तो आप महीने का शायद गूगल एडसेंस से भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। यहां तक लोगों ने देखा है कि यहां से अर्निंग हो रही है। तो अगेन कहना चाहूंगा, अगर आपको एक और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो आप अपने ब्लॉगिंग के लिए नोटिक्स को कंसिडर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जल्दी से आप इस वर्डप्रेस प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए। अब वापस आते हैं गाइस अपने मेन टॉपिक पे। सो गाइस ये है इसका लाइव एटसी लिस्टिंग, मतलब यहाँ पर बिक रहा है, आप देख रहे हो कि इन डिमांड में है। 29 पीपल बॉट दिस इन द लास्ट 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर। ये वही है ना जो अभी हम देख रहे हैं, लाइक दिस। ये देखो, अगर मैं यहाँ से भी इसको बड़ा करूं तो यू विल सी दैट, जस्ट अ मोमेंट। अब देखो गाइस, ये और ये सेम है ना, जस्ट लुक एट इट, ये वही है ना, सेम राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें ये क्या बेच रहा है, देख लो, आप देख लो, आप खुद ही देख लो गाइस ये क्या बेच रहा है। ये बिल्कुल भी आपको वो नहीं बेच रहा, फ्रेम नहीं बेच रहा, ये आपको डिजिटल डाउनलोड बेच रहा है। कैसे, देख लो यहाँ पर, हाईली डिटेल्ड, मतलब ये बहुत ही डिटेल्ड, मतलब बहुत ही बड़ा इमेज है, मतलब पिक्सल इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड देन यहाँ पर ये कुछ बोनस देने की बात कर रहे हैं और बाकी आप देख लो मेजरली ये डाउनलोड फाइल्स, डिलीवर्ड एज डाउनलोड फाइल्स, मतलब ये आपको डाउनलोड करा रहा है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है और डिजिटल प्रोडक्ट बेच के इसने कितना अर्न कर लिया गाइस, एक महीने में 8,00,000 रुपए, राइट, इनफैक्ट 9,00,000 रुपए, 8,89,000 रुपीज इसका रेट है। हमें क्या करना है, अब आते हैं उस पॉइंट पे इस पूरे सेशन के कि हमें क्या करना है और जल्दी बताओ कि इस तरह के इवेंट्स को कैसे कवर करना होता है। देखो एटसी एक यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा वेबसाइट है जहां पर लोग आके इस टाइप के डिजिटल प्रिंट्स खरीदते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स को अगर टारगेट करना है तो क्रिसमस, न्यू ईयर, हैलोवीन, थैंक्सगिविंग डे, ये सब इनका बहुत बड़ा त्योहार होता है, और इन पे अगर आपको इवेंट सेलिंग करनी है डिजिटल प्रोडक्ट्स की तो आप करना शुरू कर दो। आज मैं जल्दी से आपको क्रिसमस के लिए बता देता हूं कि आप क्या करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो ये डेटा मिल गया कि ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट, अब इस प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। प्रिंटेबल विंटेज क्रिसमस ट्री प्रिंट्स, सेट ऑफ मूडी विंटर वॉल आर्ट, सांता क्लॉज प्रिंट, फार्म हाउस क्रिसमस वगैरह वगैरह। ध्यान देना क्या बेच रहा है, ये प्रिंटेबल विंटेज बेच रहा है, विंटेज क्रिसमस ट्री, विंटेज होना चाहिए लेकिन, ठीक है, अगर ये नॉर्मल बिक, मतलब कोई भी आज के रेट का होता शायद उतना ना बिकता, ये विंटेज है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है, इसलिए शायद अमेरिका में इसको बहुत खरीदा जा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा गाइस, गाइस मैं भी चैट जीपीटी में जाऊंगा और मैं यहां पर लिखूंगा आई वॉन्ट टू क्रिएट एन आर्ट ऑफ विंटेज क्रिसमस फोटो फ्रेम, काइंडली हेल्प मी टू विजुअलाइज माई सीन्स इन सच अ वे दैट एनी वन कैन गेट नॉस्टैल्जिया, गिव मी एटलीस्ट 10 सीन्स ऑफ डिफरेंट आइडियाज लाइक सांता क्लॉज, रेंडियर, जो सांता क्लॉज का वो कार्ड खींचते हैं, देन ओल्ड हट एटसेट्रा, ठीक है, मैंने यहां पर दे दिया क्योंकि यही नॉस्टैल्जिया क्रिएट करेंगे। तो गाइस अब मैं इसको थोड़ा सा एंटर करता हूं, चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट ही सब कुछ होता है जिससे ये आप निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या कर रहा है, नाउ गाइस इसने मुझे देना शुरू कर दिया कि आप किस टाइप का सीन्स बना सकते हो। देखो मैं यहां से सिर्फ आइडिया ले रहा हूं, मैं इसको कॉपी तो नहीं कर सकता ना कि इसने जो ट्री दिया है ये ट्री दे दूं, ये रेंडियर दे दूं, बट मैंने दे दिया कि रेंडियर होना चाहिए, ओल्ड हर्ट होना चाहिए, क्रिसमस ट्री होना चाहिए, सांता क्लॉज होना चाहिए, ये सब दे दिया, लेकिन बाकी का काम मैं चैट जीपीटी से करा रहा हूं। अब देखो चैट जीपीटी ने मुझे क्या दे दिया, अ कोजी सीन वेयर सांता क्लॉज ड्रेस्ड इन अ क्लासिक रेड एंड व्हाइट सूट इन सिटिंग इन अ प्लश आर्म
armchair by a roaring fireplace, reading letters from children. The room is decorated with vintage Christmas decorations and a warm, soft glow from the fire adds to the ambience. Now, look at it, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? मैं इसको बोलूंगा, please make it more vintage looking by telling some color grading, by explaining in the scene. Now, अब मैंने उसको mention कर दिया. Enter करते हैं. अब देखते हैं कि ये color को भी enhance करना, मतलब मैं चाहूंगा कि करे. Right? So, overall color tone क्या होगा? Use a warm sepia tone, वगैरह वगैरह जो भी है. Santa's का suit इसने दे दिया है, वगैरह वगैरह. Right? Now, अब थोड़ा सा ये detail में जा रहा. Because एक artist, आप ये मत समझना कि अगर आपने ये कहीं से बना लिया तो ये बिक जाएगा. नहीं, एक आर्टिस्ट जैसे सोचता है, आपको वैसा सोचना है, तभी आपकी कामयाबी है, वरना नहीं है. आप ये मत समझना कि यार ये तो सिर्फ एक ऐसा कुछ इमेज है. ये इमेज बिल्कुल नहीं है, डिटेलिंग है इसके अंदर जो बिक रही है, ये ध्यान रखना. तो वो डिटेलिंग मैं आप लोगों से करवा रहा हूं कि ऐसे करो. अगर आपके पास आर्टिस्टिक थॉट नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो. नाउ लुक एट इट, दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक, तो इसने मुझे डिटेल में दे दिया कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखो. नाउ लेट्स डू वन थिंग. अब मैं क्या करूंगा गाइस, देखो, अब मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त हथियार है, बहुत ही जबरदस्त. कौन सा हथियार है? लेट्स डू वन थिंग. अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स ओपन. एक मेरे पास एआई टूल है, एक पहले मैं वो दिखाता हूं, फिर उसके बाद आपको और जलवा दिखाऊंगा. तो एक है मेरे पास लियोनार्डो, इसको ओपन करते हैं. इस पे जाते हैं और यहाँ पर प्रॉम्प्ट को एंटर करते हैं. सिर्फ इस प्रॉम्प्ट को ही नहीं, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं नीचे जाऊंगा और मैं ये सारी चीजें भी मैच करूंगा. यूज अ वार्म सेपिया टोन वगैरह, इसको जाओ और यहाँ पर आप इसको मेंशन कर दो. देन थोड़ा सा सेंटास का सूट मेंशन करते हैं, लाइक दिस. और सेंटा के सूट को भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है. और देखते हैं फायर प्लेस ग्लो, थोड़ा सा ये भी मेंशन कर देते हैं. और इस तरीके से मैं मेंशन पहले कर देता हूँ, वरना टाइम बहुत लग जाएगा. Now click on generate. ठीक है, जैसे मैं generate पे क्लिक करूंगा, now it started creating an image for me based on the chat GPT prompt जो मैंने इसको दिया था. और अब देखते हैं कि ये Santa Claus का वो वाला imagination जो हम chat GPT से निकाल रहे हैं, क्या वो कर पाएगा? अगर कर पाएगा ना guys, तो आपकी लॉटरी लग गई. आप समझ लो लॉटरी इसलिए लग गई क्योंकि अब आप इस इमेज को बेचोगे एज एन इवेंट सेलिंग. ओ माई गॉड गाइज, देखो ये है वो इमेज जो इसने बना के दे दिया है. नाउ जस्ट लुक एट इट. अब ये इमेज एक ऐसा इमेज है जो कि एक तकरीबन विंटेज की तरह लग रहा है. अब अगर मैं बात करूं, इस इमेज को कोई चैलेंज नहीं करेगा कि ये किसी ने बनाया था, आप बेच रहे हो कॉपीराइट के तौर पे. नहीं, ये प्योरली आपका इमेज है विच यू कैन सेल ऑन एटसी. ठीक है, अब आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो. हाँ, एक बात बता दूं आपको कि ये जो आपका लियोनार्डो है, ये आपके लिए 150 टोकन तक फ्री में देता है. मेरे पास 1000 है बिकॉज मेरा प्रीमियम है, मुझे जरूरत पड़ती रहती है. बट आप इसको 150 टोकन तक फ्री में यूज कर सकते हो और एक प्रॉम्प्ट के लिए 18 टोकन लगते हैं. तो आप तकरीबन 8 से 9 जो है इमेजेस डेली के बना सकते हो और इसको एटसी में जाके बिल्कुल बेच सकते हो. ये तो रहा एक तरीका गाइस. अब अगर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं कि क्या आपको पता है चैट जीपीटी 4 में जो लेटेस्ट वर्जन है डाली जो है ये इमेज तक क्रिएट कर सकता है. यस, यू हर्ड दैट राइट. नाउ बेस्ड ऑन द अबव विजुअल डिस्क्रिप्शन कैन यू क्रिएट मी एन आर्ट. एंटर गाइस. अगर देखो आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो आप मेरी तरह चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके ना क्रिएटिविटी चैट जीपीटी से लिखवा लो. भैया कौन सा कलर कहां होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या फिर कौन सा शेड होना चाहिए, किस टाइप का वो पूरा इमेज होना चाहिए, राइट? लेकिन अगर आप कहोगे कि सर मुझे तो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना भी नहीं आता, हाँ, तो ये एक इशू है. और इस इशू का बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है मेरे पास. बहुत सही टाइम पे मतलब आपने ये इशू रेज किया है, अगर किया है तो. अगर आपको डिटेल में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, एक तो सीख लो क्योंकि ये फ्यूचर रेडी एक स्किल है जो कि फ्यूचर में इसका हर जगह यूज होने वाला है. हर जगह, जॉब में, प्रोफेशन में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके खुद के ऑनलाइन अर्निंग वाले करियर में, हर जगह यूज होने वाला है. अगर आपको करना है तो गाइज मैंने एक्सक्लूसिव एक चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स निकाला है जिसके अंदर मैंने इतना इफेक्टिव तरीके से यह सिखाया कि आप चैट जीपीटी के थ्रू प्रॉम्प्ट देके अपने मैक्सिमम काम, मेरी तरह 90% ऑफ माई एंटायर डेज जॉब, मतलब पूरे दिन में जो करता हूं उसका 90% मैं चैट दबा लेता हूं. बस आप भी सीख जाओ, उसके बाद आपको लाइफ में कोई हरा नहीं पाएगा क्योंकि आपके पास हर चीज का सोल्यूशन होगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट और उसका रिस्पॉन्स चैट जीपीटी. चैट जीपीटी के पास करने को तो बहुत कुछ है लेकिन करवाने के लिए लोग नहीं है. वो आप बन सकते हो थ्रू माई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स. मर्जी आपकी है, डिसीजन आपका है, फ्यूचर रेडी बनना है नहीं बनना है. मैंने कोर्स का लिंक का डिस्काउंटेड लिंक, खासकर कोर्स का लिंक तो दिया है लेकिन डिस्काउंटेड लिंक दिया है नीचे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए. उसके बाद ये रेगुलर प्राइस में आ जाएगा. आप जब मर्जी ले लेना रेगुलर प्राइस में, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके इसको डिस्काउंट में ले सकते हैं. आई होप गाइस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है. चलो वापस आते हैं टॉपिक में और जल्दी से
मैं बता देता हूँ कि अब इस प्रॉम्प्ट को देखे जो रिस्पॉन्स आया मेरा क्रिसमस के सांता क्लॉस का, इसका करना क्या। गाइस अब ये देखो क्या करेगा, ये एक इमेज क्रिएट कर रहा है। नाउ चैट जीपीटी इज नो मोर ओनली अ टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म, बट यहाँ पर अब आप इमेजेस भी बनवा सकते हो। तो गाइस मैंने आपको दो तरीके बताए, एक आप लियोनार्डो बिल्कुल ही अलग एक इमेज प्लेटफॉर्म ही है, इमेज इंजन ही है जहां पर खाली इमेजेस बनाए जा सकते हैं, बट चैट जीपीटी का अगर आपके पास 4 है तो आप उससे इमेज बकायदा बनवा सकते हो लाइक दिस। नाउ लुक एट इट गाइस, अब दोनों में डिफरेंस देख लो, इसकी क्लैरिटी ज्यादा डेफिनेटली होगी क्योंकि ये प्रीमियम बनाई इसके लिए है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप चैट जीपीटी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो लाइक दिस। अब मैं इसको सिर्फ सेव करूंगा, सेव इमेज एज, एंड यू वोंट बिलीव दैट इसको सेव करने के बाद जो ये ओपन होगा हाउ ब्यूटीफुल इट विल बी, जस्ट लुक एट दिस। सॉरी ये ओपन हो गया, सो गाइस नाउ दिस इज योर इमेज। सी अब इसको आप बेच सकते हो ऑन एटसी विदाउट इवन वेस्टिंग अ सिंगल टाइम। गाइस इवेंट ब्लॉगिंग का मैंने तरीका बता दिया है, आज मैंने आपको 3-4 टूल बताए हैं। एक आप एलियोरा का यूज करो और पता लगाओ कि कौन सा इस टाइम पे इवेंट सेलिंग ताबड़तोड़ चल रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, किस टाइप की इमेज ज्यादा बिक रही है, क्योंकि यहीं से मैंने पता लगाया कि विंटेज क्रिसमस इमेज ज्यादा बिक रही है, विंटेज, ठीक है। और विंटेज किसने बना के दिया है मुझे, इसने बहुत अच्छा विंटेज इमेज यहां से बना के दिया है, बहुत अच्छा। सेकंड जो टूल यूज किया है वो लियोनार्डो का, कि अगर आप चाहते हो क्रिस्टल क्रिस इमेजेस निकालना, जरूरी नहीं कि हर बार आपको विंटेज बेचना है, तब आपको इसका एल्केमी काम आएगा। एल्केमी इज अ टेक्नोलॉजी जो कि लियोनार्डो यूज करती है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फोटो रियल इमेज निकालने के लिए। और थर्ड हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जस्ट कि इमेज को विजुअलाइज करने के लिए, कि मेरा इमेज कैसा हो जो वो बिकने लाइक बने, और एग्जैक्टली मैंने यहां पर ये चीज कर दी है। तो गाइस आशा करता हूं कि अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि आपको बेचना क्या है और वो जो बिकेगा डिजिटल डाउनलोड वो बनाना कैसे है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। हाँ एक चीज रह जाती है कि इसको एटसी पर लिस्ट कैसे करना है। गाइस अगर आपको वो सीखना है जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो इस चैनल के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं टेलीग्राम चैनल के लिए बनाऊंगा कि जो डेडिकेटेड लोग हैं खाली मेरे टेलीग्राम चैनल पर आए और उसको देख ले, क्योंकि इसमें ओपन कर दूंगा तो शायद वो वीडियो ना चले जिससे मेरा यूट्यूब का एल्गोरिथम डाउन हो जाए, और फिर आपको पता है फिर क्या सब होता है। गाइज सब्सक्राइब कर लेना, मैं इस टाइप की वीडियोस कंटिन्यूसली रिसर्च करके आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे, आशा करता हूं कि वीडियो ने आपका दिमाग थनका दिया होगा और आप बिल्कुल अब लग जाओगे इस काम को करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए और दिमाग थनकाते रहिए।